उरवा बाजार पुलिस ने डकैती से संबंधित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को बनकट मोड़ से करीब 100 मीटर पहले से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राज यादव पुत्र अयोध्या यादव निवासी ग्राम रायपुर थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, दूसरा अमित मौर्य पुत्र स्वर्गीय राम कवल मौर्य निवासी ग्राम टड़वा बहलीन थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, तीसरा सिद्धार्थ उर्फ गोलू गिरी पुत्र कृष्ण देव गिरी निवासी ग्राम कुरावल थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, चौथा ऋषभ यादव पुत्र आद्या यादव निवासी ग्राम मोहद्दीपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 4 मोबाइल 2 देसी तमंचा 2 जिंदा कारतूस घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि 4 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उरवा बाजार थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य, उप निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी, सुनील शर्मा, हेड कांस्टेबल अनिल सिंह यादव, श्रीराम आफताब आलम, जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल कमला सिंह यादव, दिनेश यादव, इंद्रजीत शाह, सत्यम सिंह यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कपड़े में सिल्क ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, तो अरे भाई प्रेस नोट तो क्यों नहीं दिया? बीती रात से पहले 2 रात में लगातार गोला और उरुआ क्षेत्र में कुछ नई उम्र के लड़के बाइकों से चल रहे थे और देर रात में जब शादी ब्याह से लौटने का समय होता है उस समय ये लोगों के मोबाइल छीन ले रहे थे। परसों की रात में इन लोगों ने 4 लड़के आ रहे थे और उन 4 से मोबाइल छीन लिया। उससे अगली रात में फिर गोला क्षेत्र में भी ये किसी तरह की छिनैती किया और एक छिनैती उन्होंने उरवा क्षेत्र में किया। ये मुकदमे दर्ज हुए थे और कहीं से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ एक लोगों के उसमें फ़ोटो भी लगभग शिनाख्त हो गई थी। उस आधार पर पुलिस तलाश कर रही थी। उरवा क्षेत्र में उस रात्रि की चेकिंग के दौरान ये जो बीती रात है इसमें संदिग्ध 4 लड़के जिनका कद काठी हुलिया उसी तरह का था पकड़ में आए और सस्पेक्ट कन्फर्म इस नाते हो गए कि तत्काल तलाशी में उनकी जेबों से 2 नाजायज असलहे बरामद हो गए और घटना में लूटा गया एक मोबाइल बरामद हुआ। फिर इनसे पूछताछ में ये पता चला कि ये सब नई उम्र के लड़के हैं और ये 7 लोग इसमें शामिल हैं। 3 या 4 लोग वारदात को अंजाम देते हैं, शेष बचे हुए लोग आगे पीछे थोड़ी दूरी पे बने रहते हैं, अगर कोई बात हो तो उससे निपटा जाएगा। और इनके पास 4 मोटरसाइकिलें हैं, तो 4 आदमी
उरुआ में गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से एक आदमी गोला में गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से 4 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। और इनको खुद भी पूछताछ में ये याद नहीं है कि इस तरह की इन्होंने झपटमारी कितनी की है। इनका जो सरगना है वो फिलहाल अभी जो टॉप लीडर है वो पुलिस की गिरफ्त से, उसका एक साथी, ये दोनों बाहर हैं। उसमें एक बिना नंबर की बाइक है, वो बाइक भी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। 2 बाइकें मिल गई हैं, तो शेष दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनका जो साथी है जिसको मैं बता रहा हूँ, सरगना है, अभी मोबाइल का पूरा जखीरा उसके पास है और ये सारा राज उससे खुलने की संभावना है कि ये किसको मोबाइल देते रहे, क्योंकि अभी इनका बेचा हुआ कोई मोबाइल इस तरह का बरामद नहीं हुआ कि हम उससे पूछें कि तुमने किससे खरीदा है। उसके पकड़े जाने पर हो सकता है कि वो यहाँ लोकल बेचता है या किसी और गैंग से, बड़े गैंग से जुड़ा है, क्योंकि अब तो अब सबके हाथ में लगभग एंड्रॉयड फ़ोन रहता है, तो जब झपटमारी करते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन ही बरामद होते हैं। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि 2-4 जनपद बाहर या प्रदेश के बाहर किसी गैंग से इनका संबंध हो तो उससे बेचते हों। उन दोनों के पकड़े जाने के बाद उम्मीद है कि हम वहाँ तक भी आगे बढ़ पाएंगे।